औषधि विभाग की मंडलीय टीम ने पुलिस फोर्स के साथ शहर कस्बा सिकंदरा राव में मेडिकल स्टोरों पर छापा मार कार्रवाई करते हुए टीम ने मेडिकल स्टोर से लाखों रुपयों कीमत की अवैध दवाओं का जखीरा बरामद किया। अलीगढ़ डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ने मेडिकल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर से मिली अवैध दवाओं को जब्त किया। जी हां, आपको बता दें, प्रदेश स्तर पर अवैध दवा विक्रेताओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में औषधि विभाग की अलीगढ़ मंडलीय टीम ने पुलिस फोर्स के साथ जनपद के कस्बा सिकंदरा राव में छापामार कार्रवाई अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने औषधि विभाग के अलीगढ़ डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर एस के चौरसिया, अलीगढ़ ड्रग्स इंस्पेक्टर हेमंत चौधरी, ड्रग इंस्पेक्टर कासगंज रमेश यादव, ड्रग इंस्पेक्टर एटा दीपक कुमार ने कस्बा सिकंदरा राव के अक्सौली चौराहे स्थित डॉक्टर अर्जुन सिंह द्वारा अवैध रूप से संचालित किए जा रहे मेडिकल स्टोर से लाखों रुपयों की कीमती दवाओं को बरामद किया। अलीगढ़ डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ने मेडिकल संचालक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए मेडिकल स्टोर से मिली अवैध दवाओं को जब्त किया। आज एक्चुअली क्या है कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रदेश स्तर पर अभियान चल रहा है कि अवैध औषधियाँ और फसलों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, तो आज यहाँ पर छापे की कार्रवाई हुई है जिसमें हमारे के ड्रग इंस्पेक्टर, तीनों ड्रग इंस्पेक्टर हैं हमारे साथ में। कहाँ कहाँ से है सर? एक ड्रग इंस्पेक्टर अलीगढ़ है हेमंत चौधरी जी, और ड्रग इंस्पेक्टर रमेश कुमार जी हैं कासगंज के, और यहाँ के प्रभारी हैं एटा के ड्रग इंस्पेक्टर दीपक कुमार जी, वो साथ में हैं जी। कहाँ से पकड़ी गई थी ये? यहाँ पर एक बिना लाइसेंस की संचालित दुकान है, अर्जुन सिंह की दुकान से दवाइयाँ जो है पकड़ी गई, जो बिना लाइसेंस के बेच रहे थे। क्या जनपद हाथरसबा तहसील सिकंदरा कुंदर और भी मेडिकल्स की दुकान है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्या? हाँ, अभियान हमारा लगातार चलता रहेगा। सर, कितने कीमत की दवाई होनी चाहिए आपके? ये इसका आकलन अभी किया जा रहा है जी, इसका आकलन अभी किया जा रहा है। और ये बरामद कहाँ से की है? ये अर्जुन कुमार जी के जो बिना लाइसेंस की दुकान है उनके यहाँ से। अक्सौली चौराहे से जी।